A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. मैं अनम अहमद from the platform of Pencil Box Education. आप सभी का स्वागत करती हूँ The Hindu Newspaper Analysis में. आज है 10th October 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have this brief little information about who I am. मैं कहाँ को आती हूँ, कहाँ को जाती हूँ. So you might just give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. So I have a list of frequently asked questions regarding some issues, जैसे कि timings को लेकर के. अभी ये 10 के बाद आता है newspaper, but I am trying to shift it to 9 to 9:30 at the maximum. Maximum keeping it by 9:30 or 9 to 9:50, मतलब 9:15 averagely आप देख लीजिए, 9:15 पर लेक्चर डिलीवर हो जाएगा इन कपल ऑफ डेज. तो इन कपल ऑफ डेज दिस विल बी द टाइम. और उसके पहले देखिए 8 बजे, 7:30 बजे, सम प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो गिविंग एट 6:30, जबकि द हिंदू न्यूज़पेपर 4:30 बजे अपलोड होता है. तो आप मान के चलिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लेटफॉर्म 6:30, 7:30, 8 o'clock भी अगर वो पब्लिश कर रही हैं, तो सम वे डाउन द लाइन आई वुड से दे आर वेरी मच कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर कंटेंट. क्योंकि एज अ बिहेवियर, as a person from the psychology background, I can assure you, कोई भी इंसान every day 4:30 उठ करके 6 days newspaper नहीं ला पाएगा. Sometimes the person will wake up at 6, sometimes the person will wake up at 5. जैसे मेरा जो normal routine हो गया वो है 5:20 पे wake up होना. उसके बाद मैं अपना 5-10 minutes अपना जो है relax होने के लिए लेती हूँ, and then I sit making the newspaper at around 5:35. तो ये एक, फिर भी चलिए एक सोचने वाला timing है. फिर भी मैं कभी कभी 5:45, 6 भी हो जाती हूँ. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. 6 days ऑफ द वीक यू कैनॉट हैव दैट रूटीन, जबकि हमारा सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं रहता. तो आप समझ लीजिए फिर कहीं ना कहीं वो आपके कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, फिर वो कुछ आर्टिकल्स छोड़ देंगे. मैं चाहती हूँ कि आप समझ लीजिए इस न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल्स के साथ साथ मैं प्रिलिम्स फोकस न्यूज़ भी आपको न्यूज़पेपर से कवर करके देती हूँ, और पिक्टोरियल न्यूज़ भी आपको मैं कवर करके हुए देती हूँ, प्लस वोकैबुलरी आप कम से कम 6 से 7 वर्ड्स एवरी डे लर्न कर रहे हैं. मैप प्रैक्टिस में इवन फिजिकल डिविजन्स ऑफ द कंट्री दैट आई एम गिविंग यू, करेंसी, फ्लैग, एवरीथिंग, प्लस एक ब्यूटीफुली एडिटेड स्लाइड्स आप देखते हैं. आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कंपेयर कर लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप जो है एनालिसिस कर लीजिए, दे विल डेफिनेटली नॉट बी कवरिंग एवरीथिंग विच आई एम बींग कवरिंग. तो आई एम नॉट सेइंग दैट माई वर्क इज द बेस्ट, बट देन इतना ज़्यादा अगर मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ, एक एक न्यूज पढ़ रही हूं आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, तो मुझे एटलीस्ट 1.5 टू 2 आवर्स लगता है पूरा न्यूज़पेपर आपके लिए छानने के लिए. उसके बाद उसे पीपीटीज में बनाती हूं, लाइंस निकालती हूं, एडिट करती हूं, पॉइंटर्स बनाती हूं, देन मैप प्रैक्टिस करती हूं, वोकैबुलरी करती हूं. तो इन सब चीजों में टू गिव इट अ ब्यूटीफुल टच थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है. तो या टाइमिंग इज वन इशू. अपकमिंग कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाले, तो आप बेल आइकन दबा करके रखिए, और ये अपलोड होने वाली है इस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक. तो इसमें मैप प्रैक्टिस की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ, करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो कि मंथ में काफी हाइलाइटेड रहे वो स्टार्ट करने वाली हूँ, मंथली समराइजेशन ऑफ करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने वाली. तो ये सारी सीरीज स्टार्ट होने वाली, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिम्स एंड आस्क्ड इन मेंस, ये भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. तो प्लीज डू गिव इट अ टैप, बेल आइकन जरूर हिट करके रखिएगा, क्योंकि वीडियोज का जो है मात्रा, वीडियोज का जो है नंबर बढ़ने वाला है. इंग्लिश वर्सेस हिंदी का एक विवाद है कि मैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करूँ, हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँ. तो अभी ये लेक्चर इंग्लिश में है, तो मैं कुछ टाइम पे इंग्लिश के लिए भी अलग से जो है रिकॉर्ड करने लगूंगी, जब थोड़ा सा ये सिस्टम बैठ जाएगा. लेंथ ऑफ द वीडियो 40 मिनट्स अराउंड रहती है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत ज़्यादा डायमेंशन आपके साथ कवर करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा मेजर एम है एग्जाम क्लियर करना. वो क्लियर करना, आप देखिए 20 मिनट्स में भी लोग कर रहे हैं, 15 मिनट्स में लोग कर रहे हैं, 25 मिनट्स में द हिंदू खत्म कर रहे हैं. तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ, वो सुनने के बाद एक साल बाद जब आप प्रीलिम्स दीजिएगा, मेंस लिखने बैठिएगा, तब मैं आपके कोई गारंटी नहीं ले सकती कि आप कितना होराइजन कवर कर पाए हैं, कितना वो कवर कर पाए, क्योंकि आपने ड्यूरेशन देखा, आपने उनका टाइमिंग देखा कि 6:30 बजे 20 मिनट में द हिंदू कवर कर देंगे, बट कितना आपको असल जिंदगी में उससे फायदा हो रहा है, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू मेक जजमेंट ऑफ. क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको गोल अचीव कराना, ना ही आपको अट्रैक्ट कराना, क्योंकि समटाइम्स माई वीडियोज ऑल्सो
go beyond 45 minutes. But then I can assure you 365 days, if you become consistent over here, background analysis questions bhi aap kar rahe hai, dhyan se sun rahe mere pointers ko, baaton ko, perspective ko, I can assure you this can really, really help you a lot in UPSC, SSC, in essay writing, mains, prelims, kisi bhi type ka aap jo hai exam face kar lijiye. This will really, really, really benefit you all. So thoda sa sahyog kariye, thoda sa sahayata dijiye, baki to cheeze sahi hai. To this is how you're going to subscribe to our channel and hit that bell icon taki jo latest content wagera main videos wagera upload karne wali wo aapko notify ho jaye. Facebook page hai, Telegram group hai, to uski links hai description mein, to please usko like kariyega, usko join kariyega, aur also review likhiyega hamare Facebook page pe about the work quality, service, everything, content, kyunki when new people come and join us to usme ek acha unko ek base milta hai whenever they are reading your reviews and stuff like that. So we have couple of editorials for us today. The first one, this one, and this one is talking about the same thing jo ki abhi IPCC की रिपोर्ट आई है वार्निंग द एंटायर वर्ल्ड की 1.5 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर का जो है कम करिए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से उसको कम करिए, ग्लोबल वार्मिंग हाइटेंड लेवल पे इसको अगर आपने ठीक नहीं करा तो डेवलपिंग नेशंस इसका काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान का शिकार हो जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. तो वील बी फोकसिंग अपॉन इट. ये वाला आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द रिसेंट एक रिसेंट आप समझ लीजिए एक अपराइजिंग, रिसेंट वायलेंस, रिसेंट एक टाइप का आप यहाँ पर कह सकते हैं एक डिटरेंस क्रिएटेड है गुजरात स्टेट में विद respect to a lot of migrant workers, with respect to a lot of migration, जो आसपास के स्टेट से लोग वहाँ माइग्रेट करके आते हैं जॉब्स लेने के लिए, लो स्किल्ड जॉब्स में इंडल्ज रहते हैं, तो उस पर हम कुछ बात करेंगे. यहाँ पर बात हो रही है रिसेंट इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज के ऊपर इन द बैकग्राउंड ऑफ यूएसए और इंडिया का जो 2+2 डायलॉग हुआ था, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे. आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे को आता है इंटरव्यू का कॉलम. ये है हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो कि बात कर रही है राफेल डील के ऊपर, जो कि बात कर रही है और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर. तो देखिए पूरा मैंने इसका इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू पढ़ा एंड देन आई थॉट कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड कुछ मुझे न्यूज इससे एक्सट्रैक्ट होगी, बट ये काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंसर्स दे रही हैं. बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू राफेल डील और इन पे जो एलिगेशन लगाया गया कि आपने महंगे में इसको तय किया और आप क्रोनी कैपिटलिज्म आपने इसमें वो करा एंड एवरीथिंग. तो देखिए दिस इज समथिंग विच ऑफ विच आई डोंट थिंक सो हमें इतना फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है. एंड दिस आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट judicial recent a lot of judgments came from the Supreme Court, so we'll be focusing few points out of that article as well. चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले एनवायरमेंटल न्यूज से, जहां पर टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज का रिपोर्ट आ गया है और ये हमारे लिए एक 2012 मूवी जैसा डिप्रेसिंग बात है. हमने अगर आपने 2012 मूवी नहीं देखी तो प्राइम वीडियो का लाभ उठाइए, नेटफ्लिक्स का लाभ उठाइए या फिर यूट्यूब का लाभ उठाइए और 2012 मूवी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद जो मुझे सॉलिड डिप्रेशन हुआ था ना, तो मैंने आज तक जो है आप समझ लीजिए रेड लाइट पर गाड़ी बंद करना शुरू कर दिया है, ठीक है, सो दैट आई कैन कंजर्व माई पेट्रोल एंड स्टफ लाइक दैट. मैंने जो है अपने जितने भी अपने साइड से मैं पोल्यूशन कम कर सकती हूँ, चाहे वो क्रैकर से रिफ्रेन करना या फिर किसी भी टाइप का पोल्यूशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, जो भी एक नॉर्मल सिटीजन से हो सकता था मैंने करना शुरू कर दिया. तो 2012 इज वन अवेयरनेस मूवी विच एवरीबडी शुड सी, इवन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स शुड स्पेयर सम टाइम. और जो दूसरे कंट्रीज जाते रहते हैं फ्लाइट के ड्यूरेशन में, उनको 2012 मूवी जरूर देखनी चाहिए. बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड रियालिटी कि देखिए जब ऐसा वक्त आ जाएगा हम एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, अपना जो है फायदा ढूंढते जाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तब प्रकृति एक दिन फुल एनर्जी में आकर के जो हमें बर्बाद करने पे उतर आएगी, तो उसका आप जो है भरपाई नहीं कर पाएंगे, उससे आप लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमारे सामने बहुत शक्तिशाली है, उसमें पोटेंशियल है, हमें हमारी पूरी ह्यूमन रेस को पैदा करना, नर्चर करना और उसी में वो शक्ति है हमें नष्ट भी कर देना.
तो 2012 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वही सारी चीज़ें. तो इट इज़ अ गुड मूवी, यू शुड लाइक डेफिनेटली सी इट. तो यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस कहा गया है कि स्पेशल रिपोर्ट कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रिपेयर्ड एज अ फॉलो अप टू द यूएन पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस पर बात करी. अब देखिए ये तो काफ़ी कॉस्टली हमारा टारगेट हो जाएगा, जबकि अभी सिचुएशन काफ़ी ग्रीवियस है, सिचुएशन काफ़ी इंटेंस है, अर्जेंट है. तो आप एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बात कर लीजिए, इफ़ नॉट 2 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, हेल्थ अफेक्ट होती हुई नजर आ रही है, वाटर सिक्योरिटी की जहां तक बात है, या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की बात है, कितना ज्यादा चेंज है वेदर में. आप देखिए देयर आर कंट्रीज इन यूरोप जो कि काफी सारे सालों से क्रिसमस विदाउट स्नो मना रही है, या फिर हमारी कंट्री में सूखा पड़ रहा है किसी जगह पे इंक्रीज रेनफॉल हो रही है और बाढ़ ही आए चली जा रही है, किसी एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है, किसी एरिया में टोरेंशियल रेन हो रही है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं एसिड रेन हो रहा है, कहीं ओशन लेवल इतना इंक्रीज हो रहा है कि टाइडल वेव्स इतनी स्ट्रांग हो रही है. तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे पैटर्न जो कि हम नॉर्मल फिनोमिना में अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, जान की हो, एग्रीकल्चर की हो. तो दैट्स व्हाट इट इज़. तो नेट जीरो CO2 एडिशन इज समथिंग विच वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द एटमोसफेयर. एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में साइन करा था और बात हुई थी कि हमें जो है 2 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट जो है ग्लोबल टेम्परेचर कम करना चाहिए फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो उस पर कहीं ना कहीं अभी मिडिल पाथ नहीं निकल करके आ पा रहा है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन में एक टाइप का समझौता, एक टाइप का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि कौन कितना फंड देगा, कौन कितना इन्वेस्टमेंट देगा, कौन किस पे कितना CO2 का कैप लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा जाता है, जिसके बैकग्राउंड में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी भी हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉइंट्स पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि वार्मर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो है दे आर राइजिंग एंड फ्रीक्वेंटली हमारे जो आसपास हम देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ रेन देख लीजिए, सीवियरिटी ऑफ ड्राउट देख लीजिए. तो ये सब आपके लिए आई ओपनर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट को आई ओपनर होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई ओपनर होना चाहिए कि देखिए ये सारे जो पैटर्न्स हैं हम आसपास देख रहे हैं, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब तक हमारे सर पे तलवार नहीं लटकेगी, जब तक हमारे आसपास 2012 मूवी जैसी कंडीशन नहीं बनेगी, तो मे भी हम उसको सीरियसली इतना जो है नहीं ले पाएंगे. तो टिल द टाइम हम यहाँ पर नहीं पहुँचे तब तक हम सीरियस मेजर्स नहीं ले पाएंगे, तो क्या पता हमारी जान ही ना बचे, क्या पता हमारी ज़िंदगी ही ना बचे. तो यू नो वी हैव टू लाइक बी वेरी मच प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव कि इतना ज़्यादा हम एक्सप्लॉयट ना कर दें अपनी मदर अर्थ को कि कुछ ना बचे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट छोड़िए हम खुद ही की जान ना बचा पाए. फ्यूचर जनरेशन क्या आएगी जब खुद ही हम अपनी जान ना बचा पाएंगे. तो यहाँ पर रिस्क टू फूड सिक्योरिटी है, वाटर है, हीट एक्सपोजर है, ड्राउट है, कोस्टल सबमर्जेंस, इवन कोस्टल लाइंस आर शिफ्टिंग ड्रास्टिकली. आई मीन देयर हैव बीन प्लेसेस, अगर हम बात करें कि हम 5-6 साल पहले आए थे यहां, तो खड़े होकर मैंने इस पॉइंट पे फोटो खिंचाई थी, यहां पर बड़ा हमने मस्ती काटी थी, बट अभी देखिए तो यहां पर शोर लाइन और एक्सटेंड हो गई है, पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. और फूड सिक्योरिटी की जहां तक बात है, देखिए एग्रीकल्चर इज वन एरिया जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि अब रेनफॉल नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ता और घटता नजर आएगा, तो जो नॉर्मल कंडीशन है फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, तो वही उन्हें नहीं मिलेगी, तो क्रॉप्स जो है उग नहीं पाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट पे असर होगा, जिसकी वजह से भुखमरी होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, फूड स्केयरसिटी होगी, जिसकी वजह से अगेन हमारे ही नरिशमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी. तो दैट्स व्हाट इट इज कि एक ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे एरियाज इससे एसोसिएटेड है. यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही है कि दे हैव ऑलरेडी शोन साइंस ऑफ सफरिंग. ये एक ऐसी कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीडर्स हैं, एक्चुअली इंडिया और चाइना जहाँ तक हम देख लीजिए दे आर द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, और वो ऑलरेडी इससे अफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं. तो इट इज़ हाई टाइम जो कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स रखे बाय 2022, जिसमें सोलर एनर्जी का टारगेट 100 गीगावाट है, जिसको अभी तक हम अराउंड 30 या 24 गीगावाट ही इंस्टॉल कर पाए. हवा में बातें हो रही है, हवा में डिसीजंस लिया जा रहा है, हवा में या फिर वोट बैंक्स पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि प्रोमिसेस तो कर दिए, प्रोपेगेंडा पॉलिसीज तो बना दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अगर आप देखिए तो 30 गीगावाट ही अभी तक हम इंस्टॉल कर पाए हैं सोलर एनर्जी का. तो कब किस चीज का इंतजार हो रहा है ये समझ में नहीं आ पा रहा है. यहाँ पर वार्निंग्स भी जारी हो गई हैं एंड एवरीथिंग, बट फिर भी अभी तक हमारे कान पे जुएं नहीं रेंग रही है. तो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन, ऐसी क्योंकि अभी ड्राउट वगैरह आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर हम डिप्लीट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ड्रिंकिंग के लिए या फिर पानी पौधों को देने के लिए, इन सब के लिए हम ऑलरेडी पानी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इज़ बिकमिंग वेरी मच वाटर इंटेंसिव. तो हमारे खुद के पीने के लिए और हमारे खुद के यूज़ के लिए पानी नहीं बच रहा है, एग्रीकल्चर में भी पानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ड्राउट्स वगैरह सिचुएशंस बढ़ रही हैं. तो इन सारे मेजर्स पे भी हमें कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, सीरियस टॉक्स चाहिए एंड एवरीथिंग. तो कौन करेगा, कब करेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए हमें, इसमें हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, इसमें हैवी हमें पर्सपेक्टिव भी चाहिए, इसमें हमें हैवी आप समझ लीजिए डिसीजंस भी चाहिए. तो ये सब चीज़ें कब होंगी, किस दिन का इंतज़ार हो रहा है कि कब हम बैठ करके इस पे एक मिडिल पाथ लेकर के आएंगे और सब मिलजुल के इस पूरी स्थिति से जो है ओवरकम करते हुए नजर आएंगे. तो IPCC, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक UN ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एक UN का आप समझ लीजिए एक विंग है, जो कि WHO एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक आप समझ लीजिए मिक्सचर है. तो ये फॉर्म हुआ था 1988, 30 ईयर्स अगो, और ये एक पैनल है, इसके स्टेटस इज एक्टिव. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड है. तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एज अ बैकग्राउंड एनालिसिस, क्योंकि MCQ में ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हो जाए. तो यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो इट इज़ एन आई मीन अ विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये प्रोड्यूस करती है रिपोर्ट्स कीपिंग इन माइंड द डिसीजंस एंड द प्लान्स पुट फॉरवर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो दैट्स वॉट इट इज़. यहाँ पर अगेन ये जो रिपोर्ट आई है वो आई थी साउथ कोरिया से, और 91 ऑथर्स हैं इस रिपोर्ट के, 40 कंट्रीज़ में इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, की साइंटिफिक इनपुट्स दिए हैं फॉर द अपकमिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विच इज़ टू हैपन इन पोलैंड दिसंबर 2018 में. ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है 2018 की. तो उसका एक आप समझ लीजिए बेस दिया जा रहा है, उसका एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि देखिए ऐसी सारी रिपोर्ट्स से, धमकियों से और डरा करके ऐसे सारा कुछ हम कर दें, सो दैट एक बेस प्रोवाइड कर सकता है फॉर द सीरियस नेगोशिएटिंग टॉक्स विच आर टू हैपन इन दिसंबर 2018 इन पोलैंड. तो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन, अगेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एज आई टोल्ड यू, और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का ये एक कॉन्फ्लुएंस है, एक जो है इनिशिएटिव है. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. हर 5 से 6 साल पे ये IPCC अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाल करके लेकर आती है, जिसको ARs कहते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट्स. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी इवेलुएटिव, काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़, काफ़ी एनवायरमेंटल रियलिटीज़ पे जो है ये एक टाइप का रोशनी डालते हुए नजर आते हैं. तो दे मेरली असेस द मोस्ट रिसेंट साइंटिफिक, सोशो इकोनॉमिक, टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड रेलिवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो उसमें नोबेल पीस प्राइज 2007 में भी इसको दिया गया था, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट को, जिस टाइम पर हेड कर रहे थे और इसके चेयरमैन थे RK पचौरी. तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कि यूजफुल हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ MCQ. नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इज टॉकिंग अबाउट द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC. तो यहाँ पर अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, एनवायरमेंट में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे, फ्लड जैसी सिचुएशन आती रहेगी, ड्राउट जैसी सिचुएशन आती रहेगी, तो ग्राउंड पे इंसान को असर होने लगेगा, उसको खाने पीने को नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएंगे, उसका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तो इन सारी वजहों से जो पुअर है वो और पुअर होता हुआ नज़र आ जाएगा. तो इन सब बैकग्राउंड में हमें अगेन डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्कटिक सर्कल से भी हम जो है असेसमेंट रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, एंटार्कटिक सर्कल से भी हम देखते रहते कि कैसे ग्लेशियर कितने लेवल पे जो है मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, सी लेवल जो है राइज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इवन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सी इज वेरी अब्रप्ट, इज वेरी यूनिक, कि उसकी वजह से जो है मरीन जो लाइफ है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इवन फिशिंग हैज बिकम वेरी स्केर्स, और वहां पर जो फिशिंग कम्युनिटीज है उन पर भी असर पड़ रहा है. तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, फूड साइकिल बिगड़ती हुई नजर आ रही है. तो
जिसकी वजह से ऑफ कोर्स पुअर और पुअर होते हुए नजर आ रहे हैं. हाफ अ डिग्री ऑफ वार्मिंग ये कहा जा हाफ अ डिग्री ऑफ वार्मिंग ये कहा जा रहा है एक काफ़ी ट्रिवियल एक छोटा अमाउंट हो सकता है. दो डिग्री से आप समझ सकते हैं, जैसे 1.5 पे बात हो रही है तो आपको लग रहा होगा कि आधे डिग्री कम करके ज़्यादा करके क्या इस पर असर पड़ सकता है. बट आधा डिग्री भी आप समझ लीजिए अगर हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, वार्मिंग कर रहे हैं, तो ओशन एसिडिफिकेशन जैसे फिनोमिनाज है, ड्राउट्स है, या फिर आइस फ्री आर्कटिक है, या फिर हरिकेन्स है, इन सब पे हम एक इतना सा चेंज भी काफ़ी हैवी इम्पैक्ट हमें दे सकता है, काफ़ी हैवी हमारा इम्प्रूवमेंट हमें दिला सकता है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाफ अ डिग्री, इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो थोड़ा सा अब देखिए, अब हाफ अ डिग्री हम ये टारगेट करेंगे, हाफ अ डिग्री पे हम बात करेंगे तो वी विल एंड अप डेवलपिंग सर्टन पैरामीटर्स, सर्टन टेक्नोलॉजीज, सर्टन वेज, जिसकी वजह से हम और भी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में उसकी, क्योंकि हम एक बार पुश फॉरवर्ड कर लेंगे, एक बार स्टार्ट कर लेंगे ये चीज़ें, तो हमारे लिए फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा. तो यहाँ पर अगेन वही सारी बातें, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, फ्रेश वाटर, ह्यूमन सिक्योरिटी, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ दाव पे लगे हुए हैं. पुअरेस्ट नेशंस और पुअर हो जाएंगे अगेन, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है. तो यहाँ पर टिपिंग पॉइंट्स को क्रॉस करने की बात हो रही है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस क्यूब्स, आइसबर्ग्स हो गए, कोलैप्स ऑफ एंटार्कटिक ग्लेशियर्स हो गए, बहुत सारी वहाँ पर ग्लेशियर्स जो कि बहुत ही लंबे लंबे ग्लेशियर्स हुआ करते थे तो वो सबमर्ज हो रहे हैं वाटर्स में, टूट रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन का पानी, पैसिफिक ओशन का पानी बढ़ करके इंडियन ओशन का पानी बढ़ा रहा है, एंटार्क्टिकास में एक वो हो रहा है, तो शोर लाइन्स जो है काफ़ी ज़्यादा गायब होती हुई नज़र आ रही है, कंट्रीज़ में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ यू नो अगेन इकोलॉजिकल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता हुआ नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर रिपोर्ट आइडेंटिफाइज अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमने पुराने टाइम में भी बात करी है कि ये एक ऐसे 17 गोल्स है जो कि हमें 2030 के टाइम तक जो है इसको अचीव करना है, जिसमें से एक प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट एंड टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट एक अच्छे लेवल पर एक प्रॉमिस है जो कि हमें मीट करना है बाय 2030. तो अभी 2018 तो ऑलरेडी आ गया है तो हमारे पास 12 साल और है, तो जल्दी 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 हमें वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर अगेन Excuse me, थोड़ा सा my neck is very bad today. Green Climate Fund की बात हो रही है और USA के रोल की बात हो रही है कि developed nations को जो है invest करना is very crucial in the Green Climatic Fund, क्योंकि अब देख लीजिए जब भी हम एक environment protection की बात करें तो हमें technology चाहिए होती है, हमें research and development करना होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे investments करने पड़ेंगे, नई technologies adopt करनी पड़ेंगी, जिसके लिए developing nations के पास इतना पैसा नहीं होता, ना ही इतने resources होते. तो ये दरख्वास्त की जाती है डेवलप्ड नेशन से कि आपके पास जो पैसा जनरेट हो रहा है तो कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आइए इन डेवलपिंग कंट्रीज की, तो अपने छोटे भाई बहनों को हेल्प करिए कि वो भी एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन पे वर्क कर पाए, चल पाए, उस दिशा में बढ़ पाए और एनवायरमेंट को हम सब मिल बांट के सिक्योर कर पाए. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैप वगैरह है कि कौन कितना जो है, कार्बन क्रेडिट वगैरह जो एक पूरा सिस्टम है कि आपको इतनी लिमिट दी जाती है, इतने क्रेडिट्स दी जाते हैं, आप इतना ही इसको यूज कर सकते हैं, के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे करना है, एंड वो पेनल्टी एक मॉनेटरी फॉर्म में पेनल्टी है कि आप जो है पैसे के फॉर्म में उसको पे कर सकते हैं, एंड वो पैसा जो है डेवलपिंग नेशंस को जाएगा उनकी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन में. तो कार्बन क्रेडिट जैसी चीजें हैं, तो इन सब बातों पे यूएसए कहता है कि ये एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जा रहा है, ये एक बर्डन डाला जा रहा है ऑन द डेवलप्ड नेशन और हम इससे सहमत नहीं है. एक पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये जो पूरा का पूरा डिवाइड है बिटवीन रिच एंड पुअर ये हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है. तो यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम कम करते हुए नजर आ जाएंगे और अगर वो हो जाएगा तो आप समझ लीजिए हम इन सारी जैसे एक्सट्रीम हीट हो गए, आर्कटिक ओशन हो गया, फ्री सी लेवल राइज हो गया, ये सारे डायमेंशंस पे क्रॉप यील्ड हो गया, स्पीशीज लॉस हो गया, बहुत सारी स्पीशीज आर आल्सो लॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो ये सारे चीज़ों पे हम वर्क करते हुए नजर आएंगे और अगर हम नहीं करेंगे
अगर हम हाफ अ डिग्री भी नहीं अभी कम करेंगे या फिर ये होगा तो फिर अब इसमें आप समझ लीजिए 2.6 इंटू वर्स कर देंगे या फिर 10 इंटू वर्स कर देंगे, तो ये सारे एरियाज़ में हम इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स इम्प्लीमेंट करना, ऐसे डिसीजंस लेना अनिवार्य हो गया, ज़रूरी हो गया, क्योंकि अलार्मिंग फिगर्स आ रही हैं हर जगह से, सी लेवल राइज का, टेम्परेचर का, रिकरेंट पैटर्न इन रेनफॉल या फिर वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइप की न्यूज आ रही है, तो एक अलार्मिंग फिगर है, एक हमारे लिए वार्निंग साइन भी है। द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट अरेस्ट द एग्जोडस। यहाँ पर बात हो रही है गुजरात में। अब यहाँ पर हर जगह देखिए माइग्रेशन की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडियन स्टेट्स में माइग्रेशन हो। आप असम ले लीजिए, वहाँ का पूरा जो नेशनल रजिस्टर जो डेटा बना रहा है, हुआ जा रहा है, NRC डेटा जो अपडेट किया जा रहा है, इवन त्रिपुरा ने उसको कहा कि हमारे स्टेट में भी आप ये डेटा वगैरह बनाइए। तो स्टेट्स लाइक गुजरात हो गया, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र हो गया, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु हो गया, तो ये सारे स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको माइग्रेशन की, क्योंकि आसपास के स्टेट से लोग उठ करके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सारे रीजन से उठ करके ऐसे स्टेट्स में जा करके ये एम्प्लॉयमेंट सीक करते हैं और वहां पर फैक्ट्री में वर्क करते हैं, कम रेट पे वर्क करने को तैयार हो जाते हैं, चीप लेबर ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, गुजरातियों की अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि माइग्रेटरी वर्कर्स की वजह से ऑलरेडी द जॉब्स आर वेरी लेस, ऑलरेडी द एम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी लेस, एंड वेन मोर पीपल विल कम इन टू इट फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ दीज स्मॉलर जॉब्स, तो उसमें अगेन एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा, एक स्पॉट करा एक हॉरिफिक रेप इंसिडेंट ऑफ अ टॉडलर, जो कि एक माइग्रेंट वर्कर ने साबरकंथा डिस्ट्रिक्ट में कर दिया September 28 को। तो उसके अगेंस्ट, क्योंकि ऑलरेडी फीलिंग्स थी उनके अगेंस्ट, ऑलरेडी फीलिंग्स थी विच वर वेरी इल, तो उसके अगेंस्ट ये सारे जो है ऑलरेडी वी वर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। तो हमने एक किक स्टार्ट हमें मिल गया, हमने इसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज नहीं करा और फिर हम माइग्रेंट वर्कर पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑलरेडी 4.6% जो है ऑफ दोज हु आर सीकिंग जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, और ये 6.8% नेशनल एवरेज से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं गुजरात में इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड सिचुएशन। इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि गुजरात अलॉन्ग विद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दे आर द हाइएस्ट सेक्टर्स जहाँ पर माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये चीप लेबर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम कर देते हैं वहाँ के लोकल लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि स्टेट के लोगों को भी मुश्किल ना हो और हम जॉब क्रिएशन कर पाए, जॉब और एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे पाए, ताकि ये सारी सिचुएशन हम बेटर कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन द टू न्यू वंस। यहां पर जो है, जब इंडिया और रशिया की बात हो रही थी इन गोवा 2016 बीच पे बैठ करके, अंजुम बीच पे बैठ करके आराम से चिल कर रहे थे, कॉकटेल पी रहे थे, तो वहां पर ये स्टेटमेंट निकल करके आया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो बेटर हैं दो नए दोस्त से, क्योंकि आपसे हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना दोस्ताना है, और आपने हमारे काफ़ी सिचुएशंस में हमारी सहायता करी, हमारा साइड लिया है, पक्ष लिया है, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पर अगेन हमने रशिया से मिसाइल्स हमने साइन करी है डील S-400 की। तो एक कैट्सा लॉ के तहत हमारा जो ये पूरा का पूरा प्रोविजन था USA का कि ईरान, साउथ कोरिया और रशिया से अगर आप डिफेंस टाइज या किसी भी टाइप के टाइज, एक अलग टाइप का एंगेजमेंट आप रखेंगे, तो USA से काफ़ी दिक्कत होने वाली है आपको, कि आप उनसे रिलेशनशिप डिटेरिरेट कर देंगे अंडर द कैट्सा लॉ। तो यहाँ पर USA ने अपना एक पासा फेंका भी था लोगों को आगाह करने के लिए कि कैट्सा लॉ हम यूज़ कर सकते हैं बाय इम्पोजिंग अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द चाइनीज कंपनीज, कि चाइना से हम ट्रेड नहीं करेंगे, रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप ऑलरेडी है। तो इंडिया ने अपनी एक सोवरेनिटी, अपना एक स्टैंड मेंटेन करा, उन्होंने ये बोल दिया कि टू चूज बिटवीन वन स्ट्रैटेजिक पार्टनर फ्रॉम अदर, ये हमारा खुद का पर्सनल डिसीजन है, नोबडी कैन कम एंड बी बॉसी हियर, हम सोवरेन इंटीग्रेटेड नेशन है, रिपब्लिक है, एंड यू कैन नॉट टेल मी कि हम किसकी किटी पार्टी ज्वाइन करें। तो डिसीजन मेकिंग ऑन रशिया इज़ आर सोल पर्पस और हमारा इंडिपेंडेंस है इसमें। तो यहाँ पर इंडिया और रशिया के अभी हाल ही में रिलेशनशिप्स काफ़ी थोड़ा सा डगमगा रहे थे, क्योंकि इंडिया एक प्रो USA होता हुआ नजर आ रहा था, उनकी तरफ इंक्लाइंड होता हुआ नजर आ रहा था, बट उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर के अगर हम बात करें, या फिर अफगानिस्तान को लेकर के हम बात करें, या चाइना को लेकर के बात करें, तो इंडिया और रशिया के बीच में पर्सपेक्टिव डिफरेंस भी क्रिएट हो रहे थे। और फिर USA
यूपीएससी से हमारी डील्स और ज्यादा हमें उनसे दूर कर रहा था. तो ये सब पे अभी बातचीत चल रही है और हमने रशिया से सारी डील्स वगैरह साइन करके कुछ पॉइंट्स भी प्रूव कर दिए हैं कि देखिए हमारा जो दूसरों से रिलेशन है उससे हमारे और यूएसए के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है. वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री और हम किससे क्या साइन करें इसमें हमारी खुद की यू नो से होनी चाहिए. तो वी डू हैव अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, चाहे वो कोऑपरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को, इन सब पे हमने बात करती हुई नजर आई है. ये पिक्चर मैं ऑलरेडी आपको पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी शेयर कर चुकी हूँ. S-400 की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो उसको आप थोड़ा सा रीड करिएगा. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ आर कंट्री, कि उसको थोड़ा सा न्यूट्रल और रिलीजियस फ्री होना चाहिए, रिलीजियस ओपिनियन से दूर रहना चाहिए. ये सारी बातों पर बात चल रही है कि देखिए जहाँ पर कस्टम एंड प्रैक्टिस है, बहुत सारे आपने फंडामेंटल राइट्स भी एनश्राइन करे हुए हैं कि जैसे आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, इवन आर्टिकल 21 राइट टू यू नो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वगैरह प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 25 और 6 भी आपको भूलना नहीं चाहिए, विच इज़ द फ्रीडम टू प्रोफेस एनी टाइप ऑफ रिलीजन इन आर कंट्री. और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ये एक गारंटी दी जाती है, ये एक सेफ गार्ड दिया जाता है, ये एक फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर पाए. तो वो वाली राइट्स को आप हनन करके आप एक इंडिविजुअल राइट्स को आप एनकरेज करें, तो इसमें एक तो फंडामेंटल राइट्स आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी ना. तो इन सब पे बात हो रही है कि देखिए ये सारे रिलीजियस अफेयर्स और रिलीजियस ये सब सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलीजियस कम्युनिटीज पर ही छोड़ देनी चाहिए, और हमें एज गॉड्स इसमें इंडल्ज होना कहीं ना कहीं सही नहीं है और अनिवार्य मतलब काफ़ी अप्रिशिएटेड नहीं. और इसी के बैकग्राउंड में सबारी माला में बहुत ज़्यादा पेटिशंस फाइल हो रहा है, रिव्यू पेटिशन फाइल हो रहा है कि देखिए आप ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है कि सबारी माला टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड नियर द पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व और वेस्टर्न घाट के अराउंड, ये एक टेम्पल सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला, 18 हिल्स इसके सराउंड करते हैं, तो ये एक पिलग्रिमेज साइट है, वर्ल्ड में सेकेंड पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर लोग आते हैं लॉर्ड अयप्पन की पूजा करने, और इसके पहले 41 डेज का आप समझ लीजिए एक ब्रह्मचारी जिंदगी व्यतीत करते हैं, इन सेरेनिटी और बहुत प्लेन जिंदगी ये जीते हैं. तो उसमें ये बात वही हो रही है कि ये लॉर्ड अयप्पन एक ब्रह्मचारी थे, अनमैरिड थे, और वो काफी सरीन थे एंड काफी पर्दा करते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट की वजह से यहाँ पर मेल और फीमेल का डिवाइड नहीं है. बट देन इन सब बैकग्राउंड की वजह से हम नहीं चाहते कि फीमेल्स का सामना पड़े लॉर्ड अयप्पन पे. इवन द फीमेल्स ऑफ केरला दे हैव नो प्रॉब्लम एंड दे डू रिस्पेक्ट लॉर्ड अयप्पन, और वो दूर से ही अपनी श्रद्धांजलि देती है, उसको रिस्पेक्ट करती है और चली जाती हैं. बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्ज करके तो वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया, आउटरेजियस हो गया है, काफ़ी लोगों ने डेरोगेटरी लिया और उन्होंने सीएम के माध्यम से, वहाँ के हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने की बात करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बोला जा रहा है कि देखिए दशहरा दिवाली की छुट्टी पर जाने से पहले हमारा कुछ यू नो डिसीजन लेते हुए जाइए. बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ सबारी माला रिव्यू प्लीज़, उन्होंने मना कर दिया यहां पर कि नहीं जी नहीं, दशहरा दिवाली के पहले तो कोई चांस ही नहीं बनता, ऑलरेडी हम काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं. तो यहां पर हमने जजमेंट दिया था 4-1, मतलब चार जजेस जो है इसके हित में थे कि हां बैन हटा देना चाहिए, और एक इंदु मल्होत्रा जी इससे डिसेंटिंग व्यू लेकर के आई थी, एक डिसेंटिंग व्यू मतलब अगेंस्ट द मेजोरिटी व्यू लेकर के आई थी, पर्सपेक्टिव लेकर के आई थी कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. और जब हम इन सारे मैटर्स में इंडल्ज कर रहे हैं तो बाकी सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन और इंस्टीट्यूशन भी फिर अपने अपने केसेस लेकर के आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? वी हैव टू मेंटेन आवर सेक्युलरिज्म, हम नॉन रिलीजियस है, वी आर नॉट एंटी रिलीजियस और वी आर नॉट रिलीजियस, हम नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड वी शुड ऑलवेज मेंटेन दैट लेवल. टिल द टाइम किसी का जान की हानि नहीं हो रही या किसी का नेशनली इंपॉर्टेंस कोई ऐसा यू नो कांड नहीं हो रहा, क्राइम नहीं हो रहा, तब तक हमें ऐसी चीजों से रिफ्रेन करना चाहिए. यहां पर मी टू कैंपेन की बात हो रही है. एमजे अकबर एक मिनिस्टर है इन बीजेपी, ही वॉज अ फॉर्मर मिनिस्टर इन कांग्रेस, अब वो बीजेपी को सर्व करे, और इनके अगेंस्ट एक महिला ने, बल्कि कपल ऑफ महिला ने हैरेसमेंट का केस दर्ज किया है अंडर द टैग ऑफ मी टू, हैशटैग मी टू, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तरीके की एक कैंपेन चल रहा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैशटैग मी टू के तहत अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप या फिर ऐसे सारे जो क्राइम और वॉयलेंस अगेंस्ट वेमेन जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस कराया है हाल ही में या फिर पास्ट में, तो वो जाकर के सोशल मीडिया पे उसको व्यतीत करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं बाय टैगिंग मी टू #MeToo. तो उसके तहत बहुत सारे लोगों पे अभी मुसीबत आ गई, लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स जिनकी इतनी काली हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, तो उनके ऊपर एक काले बादल से मंडरा रहे हैं, और महिला शक्ति जो है पूरी तरीके से इंस्टाग्राम
फेसबुक और व्हाट्सएप पे जागरूक हो चुकी है. ऑल्सो व्हाट्सएप जो है मनी पेमेंट सर्विस और मनी ट्रांसफ़र सर्विस जैसी सुविधा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है जो ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी कंट्री में हो पाए, क्योंकि व्हाट्सएप जैसी इजी टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करना ऑलरेडी जानते हैं, तो एक दूसरे में मनी ट्रांसफ़र कर पाएँ, पे कर पाएँ. तो पेटीएम जैसी सुविधा हमें व्हाट्सएप भी प्रोवाइड करेगा इन द नियर फ्यूचर. ये सब चीज़ें अप्रूव हो गई हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उससे व्हाट्सएप कहीं ना कहीं कंप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है. तो इनके बीच में सारी कुछ बातें चल रही, तो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन. तो जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें ऑन द सोशल इंक्लूजन, तो आप ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. आईएमएफ की यहां पर रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2018, जिसपे उसने ग्रोथ हमारे कंट्री का काफी अच्छा नोट करा है. बट ये भी कहा है कि 7.4 हो जाएगा इन 2019, क्योंकि अभी बहुत सारे आपने जो है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखा या बहुत सारे डिसीजन ऐसे भी लिए जा रहे हैं इकोनॉमी में जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफी मतलब कुछ पॉइंट्स कम हो जाएगा अगले साल. तो ये कुछ बात है. यहां पर भिलाई स्टील प्लांट में एक दुखद घटना हुई, यहां पर 9 लोगों की जान का यहां पर जान खोनी पड़ी उनको, क्योंकि एक ब्लास्ट हो गया स्टील प्लांट में, क्योंकि ये लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन एसओपीज वगैरह कंप्लाई नहीं करते, गाइडलाइन मेंटेन नहीं करते, चेक्स मेंटेन नहीं करते. मतलब एक टाइप का विजिलेंस या फिर एक टाइप का एक होता है ना कि एक चेकलिस्ट होती है, हर एक सिस्टम को चेक करना, क्रॉस चेक करना और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों की वजह से चाहे वो कोल माइनिंग में हादसा हो या स्टील प्लांट में हादसा हो, इससे हमारी कंट्री कोई इम्यून नहीं है. तो ऐसी सारी चीज़ों में देखिए वर्कर्स अपनी जान गंवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इवन स्टील प्लांट जैसी चीज़ों को भी होता है. तो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स है उसको मेंटेन करना, उसको ध्यान में रख करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, सर्वेलेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए, हर एक चीज़ का क्रॉस चेक होना चाहिए और ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो गया है. तो रूपी अभी अगर रूपी अगेंस्ट डॉलर 7.74.39 पर रुका है, अभी भी करेंसी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई नहीं नज़र आ रही है, फर्दर डिप्रिशिएट करिए तो अगेन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो शेकन सी बात है. दशहरा आने वाला है, यहाँ पर रावण जी के काफ़ी सारे मुखौटे बन रहे हैं, कलरफुल कंट्री हो रही है, आर्टिस्ट अपने काम पर लग गए हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो या फिर फेस्टिवल सीजन हो या फिर हमारे वेडिंग सीजन हो, तो काफी कलर्स एनवायरनमेंट में, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू एक्चुअली इंजॉय दिस फेस्टिव मंथ्स जो कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे पूरी कंट्री हमारी इंजॉय करती है. यहां पर रोड एक्सीडेंट्स पे एक आंकड़ा नजर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह ने इसको अपडेट करा है कि यहां पर पेडेस्ट्रियंस जो कि लोग वॉक करते हैं ऑन द साइड पाथ, उनके मरने की और इवन साइक्लिस्ट लोगों के मरने की तादाद बढ़ गई है व्हेन इट कम्स टू 2016 to 2017. तो रेड वाला 2016 को दर्शा रहा है, ब्लू वाला 2017 के नंबर्स दर्शा रहा है. तो आप देख लीजिए टू व्हीलर्स के जो मरने की खबर आ रही है, टोटल आंकड़े बता रहे, तो उसमें एक डिक्लाइन है 2016 से 17 पर. और यहाँ पर कार्स वगैरह में भी मेंटेन्ड है, यहाँ पर भी एक टाइप का मेंटेन्ड ही है, ये भी मेंटेन्ड ही है, बट इनमें एक शार्प इंक्रीज है व्हेन इट कम्स टू पेडेस्ट्रियंस और साइकिल जो यूज़ करते साइक्लिस्ट होते हैं. तो ये सारे लोगों को हिट एंड रन जैसे केसेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इनमें इंक्रीज है. तो आप समझ लीजिए आज हमारे कंट्री में रोड पर थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह, अवेयरनेस वगैरह, ट्रैफिक रूल्स को और स्ट्रिंजेंट करना है, इवन जो साइड में चलते हुए लोगों के लिए पाथ वगैरह डेवलप करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह और इन्हांस करना चाहिए, रूल्स होना चाहिए. और इवन ये जो ग्रीन और रेड लाइट जो होती है फॉर द व्हीकल्स, वो ग्रीन और रेड लाइट फॉर द वॉकिंग पीपल जो रोड क्रॉस करें उनके लिए भी ये बनाना बहुत ज़रूरी है, फुट ओवर ब्रिजेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे सारे आंकड़ों पर हम कुछ कंट्रोल कर पाएँ. यहाँ पर आ रहा है एक न्यूज़, काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि 2 लोगों ने इंडिया के लिए गोल्ड वो जीत करके आए हैं. ये है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये गोल्ड जीत करके आई हैं और ये मेंस 62 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीत करके आए. ये सब जीत करके आए हैं जो कि हाल ही में यूथ ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं इन बुइनोस एरिस अर्जेंटीना में. तो ये इवेंट 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हो रहा है और हमने गोल्ड जीता है. तो ऐसे अगेन एमसीक्यू एसएससी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के. तो यहाँ पर यूथ ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं 2018 इन अर्जेंटीना.
बैकग्राउंड एनालिसिस में फिजिकल मैप ऑफ गुजरात आप देखिएगा, क्योंकि अभी हमने एशियाटिक लाइंस के ऊपर भी एक न्यूज़ वगैरह कवर करी थी कि उनकी तादाद कम हो रही है, काफ़ी सारे लाइंस मर रहे हैं ड्यू टू सडन इन्फेक्शन इन देयर टूथ या फिर एनवायरमेंट में या फिर किसी इन्वेजिव स्पीशी की वजह से. तो गुजरात अभी कुछ रीजंस की वजह से न्यूज़ में है, तो उसका अब फिजिकल मैप टॉकिंग अबाउट इट्स नेशनल फॉरेस्ट, इट्स बायोस्फेयर रिजर्व, इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर उसकी सॉयल, या फिर उसका एग्रीकल्चर, या फिर उसकी पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट, रिवर्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ ये खम्बट और सर क्रीक, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो पूरा का पूरा एक फिजिकल मैप ऑफ गुजरात आप थोड़ा हैंडी रखिएगा. रशियन एडेड न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ है ये आप मुझे बताएगा, कौन से स्टेट में, और सबसे पहला प्लांट कौन सा लगा था ये भी आप मुझे बताएगा, न्यूक्लियर प्लांट जो हमने रशिया के सहायता से लगाया था. ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन बताएगा, रीजन, उसका मिटिगेशन, इंपैक्ट, बस ब्रीफली कुछ लाइनों में आप मुझे बताएगा. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, कौन इसको हेड करता है, इनकी पावर क्या है, इनका रोल क्या है ये बताएगा. डीआरडीओ का सिमिलरली आप मुझे बताएगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है 2018 पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा. वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर यू, एक्सोडस अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल मतलब विदा करना, मिटिगेशन मतलब एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग सीवियरिटी मतलब किसी भी सिचुएशन में गंभीरता कम कर देना, ऐसे कोई मेजर्स डेवलप करना या अडॉप्ट करना जिससे उसकी गंभीरता कम हो, उसको कहते हैं मिटिगेशन प्रोवाइड करना. पॉसिटी द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशियंट क्वांटिटी मतलब कमी. न्यूअंस अ सबटल डिफरेंस इन और शेड ऑफ मीनिंग मतलब सूक्ष्म अंतर होना, अति सूक्ष्म अंतर होना. स्ट्रेनियस रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट मतलब जोरदार होना. मैप प्रैक्टिस में आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, छोटू सी बीच में दबी हुई, आप थोड़ा सा देखिएगा, रिवर बोमू देखिएगा जो कि एक ट्रांस बॉर्डर रिवर है बिटवीन दिस एंड अदर कंट्री. उस कंट्री का नाम आप मुझे बताइएगा, सॉरी मैं क्वेश्चन मेंशन करना भूल गई, तो रिवर बोमू इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो पहली कंट्री तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक होगी, दूसरी कौन सी कंट्री है ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अफ्रीकन ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जो करेंसी है दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, और ये रहा उसका फ्लैग फॉर यू टू सी. टुवर्ड्स दी एंड आई वुड से स्टे ट्यून टू पेंसिल बॉक्स एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स. डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चाहे वो टेलीग्राम की हो, फेसबुक पेज की हो, आप फेसबुक पेज पे जाके रिव्यू जरूर लिखिएगा प्लीज़, मैं खुश होंगी, मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा काम करेंगे. डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. मेरी गुरु दक्षिणा आप मत भूलिएगा मेरे इस छोटू से प्यारे से इनिशिएटिव के लिए, काम के लिए और मेरी मेहनत के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर बींग अ पेशेंट लिसनर. डू योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चंस डेली. बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट टेल यू. साइनिंग ऑफ फ्रॉम पेंसिल बॉक्स एजुकेशन, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.